प्रदेश के पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं तो बेहद उम्दा बनाई गई हैं, लेकिन पशुपालकों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को अनुबंध में लाने की कोई ठोस नीति सरकार ने अभी तक नहीं बनाई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनमें रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिले, हमारे जो मांग है वो है रेगुलर होने की। हम 507 लोग हैं और हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है, जबकि हमें 3 साल 5 महीने हो गए और शायद सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि हम करेंगे। अभी भी आज भी सीएम साहब ने यही कहा कि हम अभी सत्र में करेंगे, लेकिन ऐसे आश्वासन हमें जुलाई 2021 से लगातार मिलते रहे, वो चाहे मंत्री जी की बात करो चाहे सरकार की बात करो। और कितने लोग हैं और कितना अभी आपको वेतन मिल रहा है? हम लोग 507 लोग हैं, जो हमें अभी वेतन दिया जाता है वो 12,910 रुपए दिए जाते हैं, जो हमें आज की डेट में मिलता है। किस तरह काम आपको करना पड़ता है, कितनी मुश्किलें आती हैं और यदि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा काम वेटनरी फार्मासिस्ट एक क्या काम करता है, बेजुबानों की जो इलाज है वो हम लोग करते हैं। घर द्वार जाके हम लोग ओनर के पास, ओनर आते हैं तो हम जाते हैं, दूर दराज क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। पूरे वेटनरी डिपार्टमेंट की एक हिसाब से जो एनिमल हस्बेंड्री है पशुपालन विभाग की, हम लोग रीढ़ की हड्डी है। आज अगर फील्ड का कोई भी काम होता है वो एज ए मतलब वो वेटनरी फार्मासिस्ट करते हैं। तो हमारी यही है कि हम लोग 507 लोग हैं कि हमें नियमित किया जाए और जल्द से जल्द नियमित किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो अभी हम 3 तारीख को जो है मास कैजुअल लीव लेके हम लोग DC और SDM के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद भी अगर हमें लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो हम पेनड्राउन स्ट्राइक करने के लिए भी हम लोग रणनीति बनाएंगे। बाकी हम अगर फिर भी ऐसा हमें कुछ नहीं नज़र आया तो हम लोग जो अभी विधानसभा सत्र बैठना है उसमें हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। हम काम करेंगे सर, सिर्फ हम काम करेंगे। जब डिस्पेंसरी में कोई हमारे पास कोई ओनर अपना एनिमल लेके आएगा तो हम डिस्पेंसरी में काम करेंगे, अदरवाइज हम फील्ड में जाने जो हम फील्ड में जाते हैं वो हम काम नहीं करेंगे सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।